तो वेलकम है आज सभी का। तो आज हम देखने वाले हैं IUPAC नेम ऑफ अल्काइन। तो अल्काइन के हम IUPAC नेम देखने वाले हैं, किसके अल्काइन के IUPAC नेम। तो ये अल्काइन इसके लास्ट में क्या है, YNE है। तो YNE का मतलब अगर हमारे पास अल्केन रहता है तो अल्केन के लास्ट में क्या लगता है, ANE। अल्केन के लास्ट में क्या लगता है, ANE। अल्काइन रहता अगर डबल बॉन्ड रहता कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो उसके लास्ट में लगता है ENE। और अल्काइन रहता है तो उसके लास्ट में क्या लगता है, YNE। यानी हमारे पास तीन है, अल्केन अल्कीन और अल्काइन। तो आज हम किसके IUPAC नाम देख रहे हैं, आज हम IUPAC नाम देख रहे हैं किसके, अल्काइन के IUPAC नाम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए, रूट नेम मालूम होना चाहिए। तो रूट नेम देखो, हमारे पास ये रूट नेम है, ये रूट नेम हमें हमेशा के लिए याद होना चाहिए कि अगर हमको एक कार्बन दिखता है तो हम मीथ बोलेंगे, दो कार्बन के अईथ, तीन कार्बन के लिए प्रोप, चार कार्बन के लिए ब्यूट, पांच कार्बन के लिए पेंट, छह कार्बन के लिए हेक्स, सात के लिए हेप्ट, आठ ऑक्ट, नॉन और डेक। बोलने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास तीन कार्बन रहेंगे तो हम उसको प्रोप बोलेंगे, और उसका अल्केन तो हम क्या बोलेंगे, तीन कार्बन का रूट नेम प्रोप होता है, उसका अल्केन क्या होगा, फिर प्रोपेन, तो हम ANE लगाएंगे। अगर उसका अल्काइन अगर कोई बोलता है, उसका अल्काइन अगर बोलता है तो हम क्या लगाएंगे, ENE। और उसका अल्कीन अगर बोलता है तो हम क्या लगाएंगे, ENE। और उसका अल्काइन अगर कोई बोलता है तो हम क्या लगाएंगे, वहाँ पर YNE लगाएंगे, क्या लगाएंगे, YNE। तो चलिए देखते हैं आज हम अल्काइन की क्या देखने वाले हैं, हम IUPAC नाम देखने वाले हैं। ये हमारा अल्काइन है। सबसे पहले क्या करना, अल्काइन के IUPAC नाम में जो लॉन्गेस्ट चेन में जितने कार्बन है उतने कार्बन के क्या करना, रूट नेम बोलना। तो देखो यहाँ पर ये लॉन्गेस्ट चेन है, लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन कितने देख लो पहले। तो ये लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन टोटल कितने आते हैं, चार आते हैं, फोर कार्बन आ गए। चलो अभी फोर कार्बन का रूट नेम देखेंगे हम। तो फोर कार्बन का जो है वो रूट नेम क्या होता, ब्यूट होता। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसका रूट नेम ब्यूट लिखेंगे वहाँ जाके। तो ये फोर कार्बन है और उसका रूट नेम क्या होता, ब्यूट, तो हम लिखेंगे ब्यूट। चलो ठीक है, उसके बाद क्या है कि यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड, लेकिन यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड रहा तो क्या लगता है, YNE लगता। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। अब चार चार वैलेंसी तो हमको पूरी करना है, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी रहती, चार रहती। तो कार्बन चार वैलेंसी अगर पूरी करते हैं हम, तो यहाँ पर एक वैलेंसी हो गई थी, तीन बॉन्ड बाकी, तो CH3 लग गया या CH2। ये कार्बन की चार वैलेंसी पूरी हो गई थी, इसकी चार वैलेंसी फुलफिल है, इसकी इधर से तीनों को देख बाकी, तो हमने H लगा दिए। तो ये हो गया हमारा कैसा, IUPAC नाम में पहला एग्जांपल लिए हमने, IUPAC नाम अल्काइन के पहला नाम लिए हमने ब्यूटाइन। अब दूसरा एग्जांपल देखते चलिए, दूसरा एग्जांपल में जाते हैं हम किसके, ये वाले। यहाँ एग्जांपल में देखिए टोटल कार्बन कितने, सबसे पहले हमारा विच कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन हैविंग अ मोर कार्बन आइटम। तो यहाँ पर देखो कितने कार्बन है, यहाँ पर सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, एक दो तीन चार पाँच कार्बन है। अब पांच कार्बन का रूट नेम अगर हम जाके देखेंगे उधर, तो पांच कार्बन का रूट नेम होता है पेंट होता है, क्या होता है, पेंट। अब उसके बाद अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगता है, YNE लगता। लेकिन यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कौन से कार्बन से स्टार्ट हो रहा, देखो यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कौन से कार्बन से स्टार्ट हो रहा, दूसरे कार्बन से स्टार्ट हो रहा। अगर इधर से हम नंबरिंग देंगे तो वन और ये टू, तो ट्रिपल बॉन्ड दूसरे कार्बन से स्टार्ट हो रहा। इधर से अगर नंबरिंग देंगे हम तो वन टू थ्री से स्टार्ट हो रहा। तो केमिस्ट्री का रूल है कि शॉर्टकट के तरफ से चलो, शॉर्टकट के तरफ से चलो बोले तो जिधर से डबल बॉन्ड मिनिमम आता उधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मिनिमम आता वहाँ से नंबर दो। तो यहाँ पर हमको क्या दिखता है कि ट्रिपल बॉन्ड का जो नंबर है, तो ट्रिपल बॉन्ड का नंबर कौन से कार्बन से, इधर से वन कार्बन से, इधर से टू कार्बन से, इसलिए दूसरे कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड जल्दी आता। तो हमको मालूम पड़ गया कि रूट नेम क्या था इसका, रूट नेम पेंट है इसका, रूट नेम पेंट है। टू का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, टू का मतलब दूसरा कार्बन, वाई का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, इसका मतलब पेंट पांच कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, दूसरे कार्बन से वाई का मतलब ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट होता, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, पेंट टू YNE हो गया, क्या हो गया, पेंट टू YNE। अब आगे चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम, दूसरा एग्जांपल में यहाँ आ गए। अगर इसमें ब्रांच आती है तो, अब अल्काइन में अगर ब्रांच आ रही है तो सबसे पहले विच रोल, सिलेक्ट करो लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लिया हमने, कितनी की लॉन्गेस्ट चेन है, पांच कार्बन की है, एक दो तीन चार पांच, पांच का हमने पेंट लिख डाले, डबल बॉन्ड दूसरे ट्रिपल बॉन्ड दूसरे कार्बन शुरू से टू लिखे, ट्रिपल बॉन्ड रहा तो हम क्या लगाते, YNE लगाते, तो क्या हो गया, पेंट टू
वाई एन ई हो गया, लेकिन लेकिन अब हमको क्या दिख रहा कि यहाँ पर एक कार्बन है, एक ही हमको ऐसा दिख रहा कि यहाँ पर एक पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और एक चौथा कार्बन। चौथे कार्बन पर क्या है, एक ब्रांच है, और ब्रांच कौन सी ग्रुप की है, वो मिथाइल ग्रुप की है। तो ब्रांच को यहाँ पर क्या लगाना पड़ता, वायल लगाना पड़ता। और ब्रांच कितने कार्बन की है, एक कार्बन की है। तो एक कार्बन का हम क्या बोलेंगे, एक कार्बन का हम बोलेंगे मीथ। एक कार्बन का रूट नेम होता है मीथ, तो हम उसके एक कार्बन का रूट नेम मीथ बोलेंगे और उसको वायल लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, वो मिथाइल बन जाएगा। और टोटल कार्बन कितने हमारे पास, पांच। तो पांच कार्बन का पेंट, तीसरे कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड है तो टू, और ट्रिपल बॉन्ड रहे तो हम क्या लगाते हैं, वाई एन ही लगाते। और यहाँ पर, यहाँ पर मिथिल ग्रुप की पोजीशन कौन से कार्बन पर है, फोर कार्बन पर है, इसलिए यहाँ पर थ्री लिखा हुआ है। थ्री नहीं हुआ क्या होगा, फोर मिथाइल, फोर मिथाइल पेंट टू वाई एन ही। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, आइए क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि हम कैसे देखेंगे, एग्जाम्पल देखना शुरू करेंगे इसके। तो ये एग्जांपल देखो, तुमको क्या दिख रहा है, सबसे पहले सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन तुम सिलेक्ट करेंगे, जितने कार्बन होंगे उसका रूट नेम लिखेंगे। पेंट क्या दिख रहा तुम्हारे को, पहले कार्बन से डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड शुरू होता है, पेंट वाई एन ई। अब ब्रांचेस दो आ रही हैं यहाँ पर, ये ब्रांचेस एक मिथिल ग्रुप की, ये दो मिथिल ग्रुप की, दो ब्रांचेस कौन कौन से कार्बन पर आ रहे हैं, नंबर थ्री पर, नंबर फोर पर। तो दोनों के नंबर साथ में लिखो, क्योंकि उस मल्टीपल मल्टीपल ब्रांचेस है, वो एक जैसे है, तो उसके लिए क्या लिखो, डाई लिखो। डाई तो क्या हो गया, थ्री फोर डाई, और ये भी सी है, ये भी सी है, एक कार्बन का मीथ होता है, उसको वायर लगाएंगे तो मिथिल, तो क्या होगा, थ्री फोर डाई मिथिल पेंट वन वाई एन ई। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, अब नीचे एक साहब दूसरा एग्जांपल में आपको क्या दिखता है कि यहाँ पर कितने कार्बन है, वन टू थ्री, थ्री कार्बन का प्रोप, रूट नेम प्रोप होता है, ट्रिपल बॉन्ड रहे तो क्या लगेगा, वाई एन ई, तो प्रोपाइन हो जाएगा ये भी। उसके बाद चलो, उसके बाद यहाँ दिखता है हमारे कितने कार्बन है, टोटल लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन कितने, छः, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, पांच कार्बन है, तो पांच कार्बन का हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर पांच कार्बन का बोलेंगे पेंट, क्या बोलेंगे, पेंट। पहले कार्बन से डबल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, वन, और इसको क्या लिखेंगे हम, वाई एन ई, पेंट वाई एन ई। और ये जो दिख रहा है, तो तीसरे कार्बन पर क्या है हमारे पास, वन टू थ्री फोर फाइव, तीसरे कार्बन पर जो है हमारे पास एक इथिल ग्रुप की ब्रांच है, तो थ्री इथाइल लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, थ्री इथाइल, थ्री इथाइल, क्या लिखेंगे, थ्री इथाइल पेंट, पेंट वन वाई एन ई। तो ये था हमारे पास काय के नेम, ये थे हमारे पास अल्काइन के आई यू पी एस सी नेम। थैंक यू।